आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आज क्या कार्यक्रम था? सबसे पहले विश्व के सभी आदिवासी सगागनों तथा इस देश के नागरिकों को तथा इस देश के मूल बीज मूल मालिकों को धरती आबा क्रांति सूर्य महामानव स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा जी के 147वें जन्मोत्सव की जोहार बधाई एवं शुभकामनाएं। आज देवास जिले के करनावत तहसील में सर्व आदिवासी समाज द्वारा बिरसा मुंडा जयंती का आयोजन करनावत में किया गया था और बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आए थे। बहुत शानदार रैली रहे और उसके बाद में सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उद्बोधन दिया गया, जिसमें उन्होंने एक बात पर ज़्यादा फोकस किया कि जनजाति नहीं, वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं और आदिवासी ही नहीं, इस देश के मूलवासी हैं। और उन्होंने कहा, हम आदिवासी सगाजनों का कहना है कि आदिवासी यानी आदिकाल से रहने वाले इस धरती के मूल बीज, जब यहाँ पर संविधान नहीं बना था और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हुआ था, तब जंगलों में आदिवासी निवास करते थे और उन्होंने ही वन को बचा के रखा। और आदिवासी को अगर आदिवासी कहेंगे तो वो इस देश का मालिक होगा, और यदि आदिवासी को वनवासी कहा या जनजाति कहा तो वो एक तरह से नाइंसाफी है आदिवासियों के लिए। आदिवासियों को आदिवासी शब्द से ही नवाजा जाए और जनजाति शब्द देश आज़ाद होने के बाद 1950 में अस्तित्व में आया और आदिवासी समाज का एक शिकायत है आदिवासी समाज की कि हमें सिर्फ आदिवासी शब्द से ही उद्बोधन किया जाए। और सभी देश के जो सफ़ेदपोश हुक्मरान हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनसे सभी से आदिवासी समाज के युवाओं ने एक आग्रह किया कि आप लोग संविधान में जनजाति शब्द को हटाकर आदिवासी शब्द को स्थापित करें। और बहुत ही वैचारिक बिरसा मुंडा जी के पूरे जीवन, जन्म से लेकर, उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू रांची में हुआ था, मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 में। तो एक 25 साल का लड़का जिसने 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया, राजा रजवाड़ों द्वारा जो कर के लिए जो परेशान किया जाता था आदिवासियों को, उनको हिलाकर रख दिया और आदिवासी समाज ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनकी चमड़ी निकाली गई और उनकी चमड़ी निकाल कर उन्हें प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने चमड़ी गर्म पानी उलेड़ा उन पर और चमड़ी निकाली और उनसे पूछा कि भाई आप आदिवासी नहीं हो, आप इस देश के मूलवासी नहीं हो, आप बोल दो कबूल कर। मैं अस्तित्व में आया और आदिवासी समाज का एक शिकायत है आदिवासी समाज की कि हमें सिर्फ आदिवासी शब्द से ही उद्बोधन किया जाए। और सभी देश के जो सफ़ेदपोश हुक्मरान हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनसे सभी से आदिवासी समाज के युवाओं ने एक आग्रह किया कि आप लोग संविधान में जनजाति शब्द को हटाकर आदिवासी शब्द को स्थापित करें। और बहुत ही वैचारिक बिरसा मुंडा जी के पूरे जीवन, जन्म से लेकर, उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू रांची में हुआ था, मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 में। तो एक 25 साल का लड़का जिसने 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया, राजा रजवाड़ों द्वारा जो कर के लिए जो परेशान किया जाता था आदिवासियों को, उनको हिलाकर रख दिया और आदिवासी समाज ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनकी चमड़ी निकाली गई और उनकी चमड़ी निकाल कर उन्हें प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने चमड़ी गर्म पानी उलेड़ा उन पर और चमड़ी निकाली और उनसे पूछा कि भाई आप आदिवासी नहीं हो, आप इस देश के मूलवासी नहीं हो, आप बोल दो कबूल कर लो, हम आपको तीन चार जिले की जमीन देते हैं आपको। तो बिरसा मुंडा ने एक ही बात कही कि मैं आदिवासी था, मैं आदिवासी हूँ और मैं आदिवासी रहूँगा। इस बात पर अडिंग रहे और उन्होंने अपने देश के खातिर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और आज हम युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने का एक दिवस है, हम उनको इस दिन को एक प्रेरणा दिवस मानते हैं। और जो हमारे जो देश में जो चल रहा है जनजाति गौरव दिवस, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि जनजाति गौरव दिवस को आप, यदि जनजाति की जगह आदिवासी गौरव दिवस अगर आप करते हो तो पूरा देश का आदिवासी समाज आपके साथ रहेगा, ऐसा हम विनती करते हैं। और जैसे
आज का वर्तमान समय में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने आप को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कह सकता है, लेकिन उसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ठीक सामने खड़ा होकर भूखा नंगा मजदूर आदिवासी समाज का व्यक्ति बोलता है कि मैं आदिवासी हूँ, तो वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से वो मूल मालिक हो जाएगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जितने भी ऑन गवर्नमेंट सर्विस जो करते हैं, जो लोग हैं, वो सब नौकर है, और जो आदिवासी अपने आप को आदिवासी बोलता है वो इस देश का मूल बीज, मूल मालिक और मूल वंश है। तो आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ आई थी और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, और सभी मीडिया साथियों और मीडिया जगत के लोगों से निवेदन है कि हमारा ये मैसेज पूरे भारत में इस मैसेज को प्रसारित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय आदिवासी।